की बात है कि हम बचपन में पढ़ने के लिए जाया करते थे अंशु स्टूडियो वाले हो भाई साहब कृपा ध्यान देना, हम जब पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो स्कूल में हम पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते, कभी किसी की कॉपी के लिए तोड़ दिया, किसी के पेंसिल के लिए फाड़ दिया, उदमबाजी बहुत मचाते। जब उदमबाजी बहुत मचाते एक दिन हमारी मैडम हमसे नाराज हो गई और मैडम कहने लगी, है नैब सिंह तू हरकतबाजी बहुत मचाता है, कल तुझे चार शब्द इंग्लिश के याद करके लाने होंगे। हमने कहा इंग्लिश के चार शब्द? क्या? हाँ, कल चार शब्द इंग्लिश के याद करके लाने होंगे। मैंने कहा ठीक है साहब, लेके आएंगे। हिंदी में घाटो चलो बताओ इंग्लिश कहां से ले आएंगे? हमने कहा ठीक है साहब ले आएंगे। अब आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि गली की तरफ से दो पुलिस वाले आ रहे थे और कासगंज से एसओ साहब की गाड़ी आ रही थी। खड़क से थी भगवंतपुर वाले पुल पर बैठा हो गया। एसओ साहब ने गाड़ी के लिए रोका और गाड़ी के लिए जब रोका और पुलिस वालों के लिए बुलाया, है भाई इधर एक बात बताओ, जो भोली मुलजम है भोजपुर के अंदर उसके लिए लाए? तो पुलिस वाले बोले कि नो सर। हमने कहा नो सर, नो सर, ये कोई इंग्लिश का शब्द मालूम पड़ता है कि नो सर? हमने वो लिख करके खट से दी हिंदी में और जेब में डाल लिया, डाल के आगे बढ़ी। तो हमने क्या देखा कि लड़का बहुत तेजी से चलाता हुआ आ रहा था, बहुत तेजी से चलाता हुआ आ रहा था। वो क्या बाइसिकल जिससे बोलते हम तो साइकिल, उसके लिए चलाता हुआ जब आ रहा था तो हमने उससे पूछा, भाई एक बात बता ये क्या चीज है? तो बोला ये हीरो। हमने कहा हीरो, ये कोई इंग्लिश का शब्द मालूम पड़ता है हीरो? वो भी हिंदी में लिख करके खट से दी जेब में डाल लिया। क्यों का जी, ये साइकिल के लिए हीरो क्यों बता रहा है? हम अपने घर पे आ गए। अब हमें टट्टी लगी बड़ी जोर से। जब टट्टी लगी हमने घटक से दी प्लास्टिक को डिब्बा उठा। हमारी माता जी हमसे बोली, है नैम सिंह ये क्या कर रहा है? अरे भाई ये तो लेटरिंग का डिब्बा है। मैंने कहा लेटरिंग को डिब्बा? हमें टट्टी लग रही जब लेटरिंग कहां तक घुस गई? हमने हिंदी में लिख के खट से दी जेब में डालो। मैंने कहा जेब को इंग्लिश को शब्द है। अब टट्टी करके आए और हमने चाय ली हाथ में कुल्ला दातन करके और चाय पीने लगे। टीवी का बटन दबाया, उसमें फिल्म आ रही थी। हेमा मालिनी धर्मेंद्र से बोली, चलो जी आज फिल्म देखने के लिए चलते हैं। धर्मेंद्र कहने लगे, हेलो माय डार्लिंग आज नहीं कल चलेंगे। मैंने कहा हेलो माय डार्लिंग आज नहीं कल चलेंगे, ये भी कोई इंग्लिश का शब्द मालूम पड़ता? वो भी लिख करके जेब में डाल लिया। खाना खा करके तुरंत हम स्कूल जा करके पहुंचे। पहले प्रार्थना हुई, प्रार्थना होने के बाद में फिर हाजिरी लगी और हाजिरी लगने के बाद में पढ़ाई करना। जब नंबर आया तो सबसे पहले मैडम ने हमारे नंबर ले लिए। मैडम कहने लगी, है नैब सिंह। मैंने कहा कहिए। मैंने तुझसे ये कहा था कि कल चार शब्द इंग्लिश के याद करके लाने होंगे, तू लेकर के आया? मैंने मैडम के लिए फौरन जवाब दिया कि नो सर। जब नो सर का जवाब सुना तो मैडम के लिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया। कहने लगी ये तो नहीं कर रहा है। मैडम कहने लगी, है नैब सिंह तू हरकतबाजी बहुत मचाता है, तू अपने लिए क्या समझता है? मैंने कहा हीरो। जब हीरो का नाम सुना तो और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैडम कहने लगी, है नैब सिंह तू हरकतबाजी बहुत मचाता है, तने इस कॉलेज को क्या समझ रखा है? मैंने कहा लेटरिंग का डिब्बा। जब लेटरिंग के डिब्बे का नाम सुना तो और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैडम कहने लगी, है नैब सिंह तू हरकतबाजी बहुत मचाता है, आज मैं तुझे हेडमास्टर के पास ले जाऊंगी। मैंने कहा हेलो माय डार्लिंग आज नहीं कल चलेंगे।